एंड वेलकम टू लास्ट इंडियन विलेज ऑफ इंडिया माणा गाँव। आज दिवाली के पटाखे भी जल रहे हैं और बद्रीनाथ जस्ट 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ इंडिया की आखिरी चाय भी आपको आखिरी चाय की दुकान भी देखने को मिलेगी। ऊपर व्यास गुफा के बाजू में ही है जो ऑलमोस्ट पिछले 40-45 सालों से चल रही है और सामने जो दिख रहा है वो माणा गाँव है और वहाँ से एक 4 किलोमीटर का ट्रैक है छोटा सा, ठीक है, और उसके बाद फिर चाइना है और पूरा जो कंट्रोल है वो ITBP वालों के पास है। चलो चलते फिर माणा गाँव ही। कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा माणा गाँव कहाँ जाएगा माणा गाँव, ठीक है। और क्या करना है आप लोगों को बता दे, क्या करेगा डायलॉग? लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। चलिए ठीक है चलते हैं माणा गाँव। और ये पार्किंग है गांव का, वहाँ पीछे गांव दिखता है, छोटा सा गांव है बट इंडिया का आखिरी गांव है और बद्रीनाथ से बिल्कुल करीब है, जस्ट 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पे। तो एक छोटा सा टूरिस्ट पॉइंट भी डेवलप हो चुका है। और साथ में जा रही है अलकनंदा, बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर जो कि अलकनंदा देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है और वहाँ से गंगा जी का गंगा नाम दिया जाता है उसको। आपका स्वागत है माणा गाँव। और SBI के बारे में साला ये तो मुझे पसंद आता है, सर्विस देवे नहीं देवे ब्रांच में बट ब्रांच सब जगह मिलती है। क्या बोलता है कालो? SBI सर्विस देवे नहीं देवे बट इंडिया के किसी भी कोने में जाओ आपको ब्रांच जरूर मिल जाएगी SBI की। और ये छोटा सा बाजार लोकल लोगों का। और यदि आप एडवेंचरस के शौकीन हैं तो आप 4 किलोमीटर का ट्रैक है वसुधारा, वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। और माणा पास यदि जाना चाहते तो आपको उत्तरकाशी से परमिट लेके आनी पड़ेगी। यहाँ बहुत ही खूबसूरत माना समुद्र तल से 10,133.5 फीट पे बसा हुआ गांव है और इंडिया से चाइना साइड का आखिरी गांव है, तो सीमांत गांव होने की वजह से ITBP ऑपरेट करती है पूरा इलाका। नहीं नहीं अंदर है, बहुत है। ये देख यहाँ सब्जी उगाई है, क्या है? आलू गोभी है शायद, हाँ गोभी है, गोभी है। बस आ गया भाई, टेंशन मत ले। और यहाँ पे ये 5 पॉइंट है, भीमपुल, सरस्वती धाम, केशव प्रयाग, गणेश गुफा एंड व्यास गुफा। और ये गणेश गुफा महाभारत वॉज कंपोज्ड हियर, गणपति महाराज ने महाभारत लिखने की शुरुआत यहाँ से की, ऐसी मान्यता है। और आखिरकार मिली गई जिसके हम लोग आए थे, इंडिया की लास्ट चाय की दुकान और व्यास गुफा जो माणा विलेज का मेन अट्रैक्शन पॉइंट है, भारत की आखिरी चाय की दुकान। है ना, टूरिस्टों का भी एक अलग ही मज़ा।
कैसे 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 चीज़ों को एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट बना देते हैं। ये व्यास विला, सॉरी, थक जाते हैं ना तो वर्डिंग भी नहीं मिलते। व्यास पोथी, व्यास गुफा और चलो ऐसे खूबसूरत वाली, खूबसूरत वैली का नज़ारा ऑलमोस्ट आपको 1.5 से 2 किलोमीटर चलना है। आ गया तू मोटे, ये छो मोटूमल तनुमल तू पहुंच ही गया आखिरकार। हाँ चलो ठीक है, अभी हम रिटर्न जाएंगे। अरे बाप रे, कितना पुराना है ये तो साहब, 36 साल पुराना है। 36 साल पुराना, तो ये आपको ये दुकान लगाया कितने साल हो गए सर? मुझे तो काफी साल हो गए। अच्छा, अरे बाप रे, कितना साल हो गया। पुराना भी फोटो है हमारे पास। तब तो यहाँ रोड बोर्ड की व्यवस्था भी नहीं होगी। रोड था कितने सालों से? हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से। ओहो, यानी ऑलमोस्ट 50 साल। हाँ अरे बाप रे, चलो ठीक है। बट ये हाइट पे, ये जगह पे साला मजा आ गया ना तेरे को? चलो अंकल को, सॉरी अंकल को थैंक यू बोल दे। थैंक यू चाय के लिए। थैंक यू चाय के लिए। थैंक यू बोला तो चाय तो पिलाया तेरे को उन्होंने। हाँ तो वही तो बोला, चाय थैंक यू बोला, कितने बुला गया था। वही तो, चलिए सर थैंक यू, शुभ यात्रा। थैंक यू सर। और भाई ये नेक्स्ट जनरेशन है क्या आपकी? हाँ वही तो पूछा, ये नेक्स्ट जनरेशन लगता है। क्या नाम है तेरा भाई? विवेक जी, क्या पढ़ रहे हो आप? अच्छा क्या कर रहे हो अभी? कौन से कॉलेज? देहरादून? गोपेश्वर में। गोपेश्वर में हूँ। चलो ठीक है, मिलेंगे फिर।